क्या अपर मुख्य सचिव अकेले सरकार है? मैं चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूं मंत्री जी के सामने कि लगातार वह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिना सरकार के अनुमति के ऐसे 50 पत्र निर्गत करके और पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की स्थिति में वह पहुंचा दिया। मैं उसका एक भुक्तभोगी खड़ा हूं, बोल रहा हूं कि कितना दुस्साहसी वह पदाधिकारी है अपर मुख्य सचिव कि बिहार विधान परिषद के सदस्य का वह पेंशन रोकने का काम। लोकतंत्र के इस मंदिर में खड़े हैं उसको अंगूठा दिखाने का काम एक पदाधिकारी कर रहा, यह बड़ी बात है, यह बड़ी बात है सदन। शिक्षकों पर जिस ढंग से शिक्षकों को वह निर्देशित कर रहा है, शिक्षक आतंकित है, भयभीत है, और उस रूप में क्या शिक्षा में जो वो कहे डॉक्टर अजय कुमार कि ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या अपने को मीडिया में छाए रहना चाहता है, ऐसे निर्देश देकर यह चाहता है कि हम दिखावा करें, सतह पर कहीं इसके काम नहीं। बिहार में नौकरशाह कितना हावी है, प्रभावी है, इसको भी देख के मैं अचरज में सभापति कि इन सभी चीजों को धत्ता बताते हुए शिक्षा विभाग का संवैधानिक जो असंवैधानिक निर्णय निर्देश विश्वविद्यालय के नियम परनियम अधिनियम के विपरीत लगातार निर्देशित कर रहे हैं विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, शिक्षकों को, और यहां तक कि उन्होंने निर्देशित किया कि बिहार में शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक या कर्मचारी कोई संगठन नहीं बना सकता। अगर संगठन का कोई पदाधिकारी अगर कोई बयान देता है अपने सदस्यों के पक्ष में तो उस पर कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई सदन में हुआ, ऐसे पदाधिकारियों पर, संघ के पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हुआ सर। मैं उसका एक भुक्तभोगी खड़ा हूं, बोल रहा हूं कि कितना दुस्साहसी वह पदाधिकारी है अपर मुख्य सचिव कि बिहार विधान परिषद के सदस्य का वह पेंशन रोकने का काम। सभापति महोदय क्यों, ये सवाल उठता है क्यों? तो अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को प्रत्येक दिन 5 वर्ग कक्ष लेने होंगे, और अगर वो नहीं लेते हैं या छात्रों की संख्या किसी महाविद्यालय में कम है तो दूसरे बगल के महाविद्यालय में जाकर 5 वर्ग कक्ष पूरा करें, तभी उस दिन का वेतन उनको मिलेगा। जब यह बयान या पत्र निर्गत हुआ तो मुझको आश्चर्य हुआ। यूजीसी का सभापति महोदय निर्देश है, रेगुलेशन है, और उस रेगुलेशन के आलोक में सरकार की सहमति से, चूंकि जब कोई परिनियम या नियम बनता है, अधिनियम बनता है, तो सरकार की उस पे सहमति होती है, सरकार की सहमति से उस यूजीसी के गाइडलाइन रेगुलेशन के तहत परिनियम बना, और उस परिनियम में साफ निर्देशित है यूजीसी का, और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया परिनियम में। जिस स्टैट्यूट के तहत राज्य के विश्वविद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं उसमें पूरे वर्ष में कितने कार्य दिवस कितने घंटों का होगा वह डिफाइन है, और उसी में लिखा हुआ है कि 180 दिन कम से कम साल में वर्किंग डे रहेंगे, और उस 180 दिन को भी डिफाइन किया कि एकेडमिक वर्क शिक्षण कार्य कितने घंटे का होगा सप्ताह में, पूरे साल में ये रिसर्च वर्क कितने घंटे शिक्षक उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, अन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितने समय वो देंगे, फिर एडमिशन इवेलुएशन सबके वो डिफाइन किए हुए हैं यूजीसी, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया पर नियम।
हम जब वह चिट्ठी निकली तो हम बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के महासचिव उस नाते और हमारे अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा है, इस नाते हमने हमको लगा लगता है कि विभाग को इस यूजीसी के रेगुलेशन की जानकारी नहीं, भूल बस इसने ये निर्देश ये पत्र निर्गत किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एक बयान आया और वह बयान भी है महोदय सभापति महोदय मेरे पास, जिसमें हमने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि लगता है कि विभाग से भूल हुई है, इसमें वो सुधार है। अधिकांश लोगों ने पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया लग रहा है, तो सभापति महोदय और उसने लगातार जब वह बयान मेरा आया टाइम्स ऑफ इंडिया में तो हम दिखाना चाहते कि वह नौकरशाह किस तरीके का उसका कार्य शैली है, सरकार और राजभवन के द्वारा बनाए गए नियम प्रनियम को भी दत्ता बताते हुए, और क्या जो संवैधानिक अधिकार हमको है उसको भी नजरअंदाज करते हुए। माननीय सदस्य और भी बचे हुए सर, सर बहुत बहुत संगीन मामला है, हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर में खड़े हैं उसको अंगूठा दिखाने का काम एक पदाधिकारी कर रहा है, यह बड़ी बात है, यह बड़ी बात है सदन, और इसमें 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 हम कहेंगे सभापति महोदय या तो विशेषाधिकार हनन का मामला भी बनता है, क्या सभापति महोदय संविधान इस देश का संविधान यह अनुमति देता है कि वह कोई भी सदस्य समूह में अपनी बातों को व्यक्तिगत तौर पे या समूह में वह अपनी बातों को नहीं रख सकता है। हमने वही काम किया और तब हमने जब टाइम्स ऑफ इंडिया में वह वक्तव्य आया कि यह गलत है, यूजीसी के रेगुलेशन में साफ लिखा हुआ है 6 डे वीक असिस्टेंट प्रोफेसर 16 आवर्स शिक्षण कार्य करेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर 14 आवर्स काम करेंगे। सभापति आप जानते हो, हम सदन के सामने भी अपने माननीय सदस्यों को भी जनाना चाहते हैं, हमने इसी हवाले से यूजीसी के उस रेगुलेशन के हवाले से राजभवन के उस प्रनियम के हवाले से वह हमने वक्तव्य दिया और उसी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के पन्ने पर मेरे पास वह कटिंग है अखबार का, उस पर मेरे पेंशन और वेतन को बंद करने का आदेश एक पदाधिकारी। आज सभापति महोदय हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी से आपके माध्यम से, क्या अपर मुख्य सचिव अकेले सरकार है? मैं चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूं मंत्री जी के सामने कि लगातार वह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिना सरकार के अनुमति के ऐसे 50 पत्र निर्गत करके और पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की स्थिति में वह पहुंचा दिया। आज हम कहते हैं शिक्षकों पर जिस ढंग से शिक्षकों को वह निर्देशित कर रहा है, शिक्षक आतंकित है, भयभीत है, और उस रूप में अविस्ताव के माध्यम से किया उसे पदाधिकारी को राज्य सरकार तुरंत हटावे, नहीं तो बिहार में जो आपकी सोच है शिक्षा को आगे बढ़ाए, और हमको तो लगता है माननीय सदस्य सभापति महोदय हमको तो लगता है कि एक बहुत बड़ा इस बिहार का डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक बयान जो दिया है सही माने में वह सही है, वह जो वो कहे डॉक्टर अजय कुमार कि ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या अपने को मीडिया में छाए रहना चाहता है, ऐसे निर्देश देकर यह चाहता है कि हम दिखावा करें, सतह पर कहीं इसके काम नहीं हुआ। और उसने और वो बढ़िया डॉक्टर ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, यह एलूजन डेल्यूजन और हेलुसिनेशन से का शिकार है, इसकी देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट साइकेट्रिक से इसकी जांच कराई जाए। मैं सभापति महोदय जहां तक जानकारी है ये विशेषाधिकार समिति में भी आपने मामला दिया है
और ये संकल्प तो संकल्प की एक सीमा होती है। अभी तीन माननीय सदस्य हैं जिन्हें बोलना है, उनका संकल्प भी बाकी है। तो सदन समझ रहा है सारा कुछ आपने जो कहा आपकी व्यथा। सभापति महोदय, ट्रेड आप तो स्वयं एक प्रतिष्ठित राज्य के विश्वविद्यालय में रहे हैं, ट्रेड यूनियन बनाने की लड़ाई और कर्मचारियों की सुरक्षा की लड़ाई वर्षों और हजार वर्षों में बनी है, उसको प्रतिबंधित करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? ठीक है जी। मैं मांग कर देते, हम मांग कर देते हैं के विशेषाधिकार का मामला है। एक लाइन सभापति महोदय, सदन के गरिमा का सवाल है, उसके विशेषाधिकार का मामला बनता है महोदय। एक माननीय सदस्य, ये कभी कभी उत्तेजना में कोई शब्द ऐसा निकल जाता है, आप व्यथित हैं, हम आपकी पीड़ा से पूरा सदन सहमत है। आप हम व्यथित नहीं है सर, हम व्यथित इसलिए नहीं है सभापति महोदय, हम इसलिए व्यथित नहीं है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आप जान रहे हैं के अभिभावक कौन है, महामहिम कुलाधिपति है, कुलाधिपति से हम लोग मिले थे और कुलाधिपति महोदय ने जो पत्र लिखा है बिहार के मुख्य सचिव को, उसका केवल सब्जेक्ट हम दे रहे हैं रिगार्डिंग अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट कंट्री टू बीएसयू एक्ट स्टैट्यूट्स एंड एज वेल एज अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिबर्टी ग्रांटेड अंडर द फंडामेंटल राइट। अब इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है कि एक राज्य का महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल यह पत्र मुख्य सचिव को लिखता है, उसके बाद भी इस या विभाग में उसी ढंग के इनके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो संघ संगठन बनाने, क्योंकि संघ संगठन यह भी उनको मालूम नहीं है, लगता है कि संघ संगठन कोई भी बनता है तो सरकार का एक विभाग है जिससे जिससे वह रजिस्टर्ड होता है, तो माननीय मंत्री जी को रजिस्टर्ड होता है, और सभी ऐसे संगठन जिन पर कार्रवाई की गई है सब रजिस्टर्ड है, और वो कहते हैं हम इसको मान्यता नहीं देते, जैसे उन्हीं को रजिस्ट्रेशन देने का अधिकार है। इस अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी काम किए गए हैं, जो बिना सरकार की अनुमति से, क्योंकि मैं मानता हूं कि अपर मुख्य सचिव किसी विभाग का अकेले सरकार नहीं है, मैं तो आज देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि विधानसभा में हम सभापति के चैंबर में बैठकर, सभापति महोदय, हम सभापति जी के चैंबर में बैठकर हम पहले आ गए थे विधानसभा की कार्यवाही देख रहे, हम लोग मिलकर कई बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था जो 9:30 से 5:30 बजे तक जो समय सारणी तय कर दी थी स्कूल की उसको कर 10 से 4, मुख्यमंत्री ने 3-3, 4-4 बार निर्देशित किया, और जब आज विधानसभा में सवाल उठा तो मुख्यमंत्री महोदय खुद आश्चर्यचकित थे कि यह अभी तक नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, आज हम बुलाकर हम पूछते हैं, आज करवाते हैं। इस ढंग की कार्य शैली ऐसे पदाधिकारी से क्या बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है? माननीय मंत्री, बड़ा सवाल है, इसलिए हम तो मांग करते हैं माननीय मंत्री जी से भी सुनना चाहेंगे ना, माननीय मंत्री जी का उत्तर भी जी, बस हो गया, कंक्लूड कर रहे हैं कि वो सारे पत्र वापस हो, निरस्त हो और ऐसे पदाधिकारी को तुरंत हटाए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।